इस वीडियो में बात करेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाया जाता है, आप फोटोशॉप से कैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और पासपोर्ट साइज फ़ोटो का साइज़ कितना देने वाले हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको किस प्रकार आप फोटोशॉप से पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप बहुत ही आसान तरीक़ों से आप बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटोशॉप में आ जाना है। इस तरह से आपको फोटोशॉप अपना ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है आपको शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। सिंपली आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल ओ एक साथ प्रेस करना है। इस तरह से आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। अगर आपको कंट्रोल ओ नहीं प्रेस करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल पर आना है यहाँ पे, और फाइल पर आने पर सिंपली आपको यहाँ पे ओपन पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ओ आप प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल खुल जाएगा, और यहाँ से भी आके अपना जो फाइल है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फाइल है यहाँ पर आ चुके हैं, और किस फोटो का यहाँ पर हम फोटो साइज बनाने वाले हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, किस फ़ोटो के यहाँ पर अपना चुन लेंगे, और यहाँ चुनने के बाद सिंपली हम ओपन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फोटो है यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है। तो इसको किस तरह आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम बड़ा इस तरह से कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस टूल को आप क्रॉप टूल से आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन को वाइट और यहाँ पर आप यहाँ पर यहाँ पे आपको जीरो कर देना है, दोनों को यहाँ पे जीरो कर देना है। और जीरो करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आपको दबाए हुए यहाँ पे अपना माउस है, इस तरह से आपको फोटो साइज में यहाँ से काट लेना है, इस तरह से क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह से करने के बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स यहाँ पर माउस इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है, और यहाँ पर दोनों तरफ आपको साइज बाई साइज यहाँ पर बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से करने के बाद सिंपली होंगे सही वाला आपको टिक दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद कुछ इस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रॉप करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले टूल्स को आपको सेलेक्ट करना है, पेन टूल्स इसका नाम है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने का थोड़ा सा फोटो की इसको बड़ा करेंगे, और यहाँ से बड़ा करने का सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किए हुए यहाँ पर करेंगे, जितना टिक करेंगे उतना आपको जो अच्छा टिक करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है उतना ही फ्रेश यहाँ पर खुल कर आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको पूरा यहाँ पे फोटो को अपने बैकग्राउंड में इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह से करने के बाद बहुत ही अच्छे तरह से आप पूरा हम करके बताएंगे, इस तरह से आपको कर लेना है, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहाँ से फोटो के आपके बगल में आपको जो साइड है उसमें आपको इस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके इधर उधर कहीं हो जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल अलर्ट और जेड एक साथ प्रेस करेंगे, जितना बार जेड प्रेस करेंगे आपका जो जो टिक का निशान है वो यहाँ पे कट के आपको सही हो जाएगा। तो हम देखिए हमें गलत हो चुका है, तो सिंपली इसको हम कंट्रोल जेड और अलर्ट एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है, और यहाँ पर करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोटो छोटा करेंगे, और छोटा करने में सिंपली आपको इस तरह से आपको बैकग्राउंड के पीछे आपको लेकर इसमें जोड़ देना है। इस तरह से लेकर जोड़ देंगे तो सिंपली आपको क्या प्रेस करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर एक साथ प्रेस करना है, तो आपको जो इस तरह से आपको बैकग्राउंड के इस तरह से आपको चलने लगेगा, तो बैकग्राउंड के पीछे आपको इस तरह से लाइनिंग बाई लाइनिंग आ जाएगा। तो सिंपली आपको बैक स्पेस या डिलीट आपका जो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में आपको होगा तो सिंपली उस पर प्रेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है। अगर आप बैकग्राउंड दूसरा आप रखना चाहते हैं, यहाँ से आके आप बैकग्राउंड आप दूसरा रखना चाहते हैं, सिंपली हमें ले रेड जो भी हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली आपको आना है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जितना बार आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप आके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर चेंज करने में सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल डी एक साथ प्रेस करना है, तो जो लाइन है यहाँ पे हट जाएगा। इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है,
और सेलेक्ट करने का सिंपल जो बैकग्राउंड का जो कलर है यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इमेज पर क्लिक करना है, और इमेज पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स अब ऊपर वाले में आपको क्या करना है, 350 रखना है, और नीचे वाले में आपको 450 इस तरह से रखना है, और पिक्सल में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो फोटो हमारा जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कंट्रोल एम एक्स आप प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद सिंपली आपको इस तरह से आप वाइट वाइट ला सकते हैं, इस तरह से आप कलर बना सकते हैं। उसके बाद हमें आपको यहाँ पे इमेज पाना है, और इमेज पाने पर सिंपली एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कलर बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप कलर यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको कलर बैलेंस करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर जो कलर है वो बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा। और होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल एन एक साथ प्रेस करेंगे, और यहाँ पे A4 साइज़ जितना साइज में आप फोटो लेना चाहते हैं, A4 साइज यहाँ पे साइज दिया गया है, इसमें से आकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4x6 यहाँ पे लिए हैं, तो सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और फोटो को लेफ्ट क्लिक किए हैं यहाँ पे उठा के फोटो को यहाँ पर रख लेना है, और रखने के बाद सिंपली इसको मिनिमाइज कर देंगे, और मिनिमाइज करने के बाद सिंपली इसको बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद सिंपली आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड का जो बोल्डर है उसमें आपको ब्लैक बोल्डर यहाँ पर रखना है, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए हम जो बैकग्राउंड का जो बोल्डर है उसमें ब्लैक कलर यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वाले टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, और फोटो को यहाँ से उठा के आपको सजा लेना है। 4x6 का जो साइज है इसमें हम सजा लेंगे, और सजाने के बाद सिंपली अलर्ट क्लिक करेंगे, और फोटो को इस तरह से आपको उठा के यहाँ से रख लेना है। अलर्ट और माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको यहाँ से उठा कर रख लेना है। 4x6 में आपको इस तरह से फोटो आपको पूरा यहाँ पर साइज बाई साइज आ जाएगा। तो इसे आके सजा लेना है यहाँ से, बहुत ही अच्छी तरह से सजा लेंगे। और सजाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, चलिए फ्रेंड्स हम आपको स्टेप बाई स्टेप आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप फोटो हमारा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा चुके हैं, और इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सिंपली आपको प्रिंट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स हमें 4x6 का जो साइज़ है इसमें हम सजा लिए हैं, और सजाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल पी एक साथ प्रेस करना है, एक साथ प्रेस करेंगे और बीच में और सेंटर में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल है तो सिंपली इसको बेस्ट कर देंगे। तो बेस्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको कलर यहाँ पर आपको ऑलरेडी रहेगा, कलर इसमें रहने देना है, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर है यहाँ पर फोटो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट हमारा जो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस वीडियो में पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी दिए हैं, और इस तरह से आप अगर साइबर कैफे वाले हैं जो भी हैं अगर सीखना चाहते हैं फोटोशॉप के लिए, फोटोशॉप से फ्रेंड्स अगर फोटो बनाना चाहते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया गया है, इस वीडियो में अगर आप फ्रेंड्स आप सीख सकते हैं, आपको फोटोशॉप का जो नॉलेज है आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा।